शॉट लेना है। मेरे लग रहा, मैंने कहा कह रही है चाय में केचप डाल दे। सब लोग मुझसे पता है क्या पूछते हैं कि आप हर दफा अपने ब्लॉग में दिखाती फातिमा एडिटिंग करे वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? टिम मॉर्टन्स है, हम लोगों को वाकई कॉफी ट्राई करनी है। सोसाइटी प्लीज एक्सेप्ट अस। अरे बाप बताएंगे आपकी बेस्ट वाली कौन है। हम लोग टिम मॉर्टन्स बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पे लाइन देखो, ये शादी का वो लड्डू है, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता। हमेशा मैं इन लोगों को जाके बोलती हूँ बाहर घूमने के लिए चलते हैं, तो आज मैं फोर्स करूंगी इन सबको जाने के लिए। और एक जगह है जो लाहौर में टिम मॉर्टन्स, जिसके बारे में लाहौरी पागल हो गए थे, और वहां पे पता चला कि जी वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है अपना। पहले दिन इतनी सेल हुई है और लोग पागलों की तरह वहां जा रहे हैं, चार चार दिन ओपनिंग के डेज पे उनका इतना रश लगा रहा है। वहां पे ऐसा क्या होगा, वो क्यूरियोसिटी मुझे भी हो रही है। अभी जाके इनसे डिस्कस करती हूँ कि मैं वहां जाने का प्लान कर रही हूँ, क्या ये मानती है या नहीं आई, कहेंगे तुम भी इस भीड़ का हिस्सा हो जो ऐसे कहते हैं पाकिस्तान में महंगाई बहुत है। और लेट्स सी, देखते हैं रेट्स क्या है वहाँ के, टेस्ट क्या है वहाँ का, लेट्स गो। मैं नीचे आई हूँ तो यहाँ पे ना सीजन लगा हुआ है। सीजन वाली मेरी एक ही बहन हो सकती है, ज़ैनब फैसल। ज़ैनब फैसल, तुम मेरे साथ कहीं जाना चाहती हो आज? आज हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। हाँ राबिया, तो वैसे तो भूखी रहती, राबिया ने पहली दफा खाना लाना, एक मैं ही बस मम्मा को पूरी रोज मैं कैमरा में दिखा रही होती हूँ। अच्छा चलो, अब उनकी बाहर लड़ाई हो रही है और ये जो है ना ये राबिया पेड़ा बन रहा है। आए राबिया के लिए रोटी बनानी, उसमें आज तो सुराख नहीं हुआ। नहीं राबिया, और मेरा पराठा बन रहा है जिसमें सुराख नहीं है। थैंक गॉड। आज की वजह, आज क्या वजह है? अच्छी बच्ची बन के आई। या अल्लाह, मतलब जब मैं बुरी होती तो पराठे में सुराख होता है। ओ आज फिर साग, आज तो नया नया मुझे दिल का। ओ गाइस, आज फिर तड़का लगा के बैठी हुई है, आज फिर साग खिलाने के चक्करों में है। कोई बात नहीं, खा लूंगी मैं, मुझे पसंद है जाती सुगात को ना नहीं करना चाहिए। मेरा और रबिया का नाश्ता आ चुका है, वेलकम टू साग। यहाँ पे हम लोग ना बैठे हुए हैं और यहाँ लगने लगा जी एसी। हमारे इस रूम में एसी नहीं था, डाइनिंग में, तो यहाँ एसी लगने लगा। आज हम लोगों ने जाना लेकिन हम लेट हो रहे हैं क्योंकि एसी का काम हुई जा रहा है। फातिमा, आज हम लोगों ने भला कहाँ जाना है? मैंने कहा कह रही है चाय में केचप डाल दे, मैं केचप डालने से पहले मैंने कहा एक दो पूछ के तो चाय में केचप क्यों डालनी है। ये जो है ना ये लड़की, चाय में मैंने केचप क्यों डलवानी? तो तुम कैटल, मुझे समझ ही नहीं आ रही। मैंने कहा कह रही केचप में डाली नहीं है, देखो अभी चाय केचप में डाल दे इसको। मैंने शॉर्ट लेना, मैं आ रही हूँ, उसमें गर्म भी रहेगी। मैंने अभी 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 बात की है अरीफ को, मैंने अग्री कर लिया है, सो ही इज कमिंग, तो वी विल गो विद हिम। गाइस मैं हो गई हूँ तैयार, यू गाइस कैन सी माय फिट। बताएं कमेंट में मैं कैसी लग रही हूँ। और ये मेरे इयररिंग्स तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे ऐसे इयररिंग्स बहुत पसंद है। ये गाइस पोनी वाली हस्ती है ना, ये तैयार हो रही है, बदतमीज औरत। मैं जा रही हूँ नीचे, तब तक मैं बाकियों को देखूँ कि बाकी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि फातिमा मैडम एज यूजुअल बहुत टाइम लगाती है, ना इसकी वीडियो जल्दी आती है और ना ये तैयार जल्दी होती है। सब लोग मुझसे पता क्या पूछते हैं कि आप हर दफा अपने ब्लॉग में दिखाती फातिमा एडिटिंग करे वीडियो, तुम वो एडिट क्या कर रही होती है? अब मैं लोगों को बताओ क्या जवाब दूं कि फातिमा क्या एडिट करती है। हाँ ये देखो, हाँ कुछ ना कुछ इसका एडिट हो रहा होता, मगर ट्रस्ट मी इसकी वीडियो नहीं आती। हाँ और मैं कमेंट पढ़ी और मैंने कहा ओ यार हाँ, मेरे ब्लॉग में मौसी मैंने फातिमा को यही करते हुए दिखाया, लेकिन फातिमा का काम नहीं हो रहा होता। गुड थिंग्स टेक टाइम। सो गाइस ये देखे मेरी अम्मा हो चुकी हैं तैयार, कितनी प्यारी लग रही है। और फातिमा मैडम भी तैयार हो चुकी है और ये तैयार होकर यहाँ बैठी हुई है, गुड गर्ल। ओ माई गॉड, तो घर पे हुई है बेल, तो मुझे लग रहा है की अरीब आए। कौन आप, कौन है आपका? कोई नहीं हो, आप अलग खोल दे। मेरा कोई नहीं है, फिर नहीं मैं खोल रही हूँ, पहले कहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड एज़ वेल। यू आर लुकिंग नाइस। थैंक यू, आई ऑलवेज लुक नाइस। व्हाट, इतना जिंदगी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप भी अच्छी लग रही माशाल्लाह। मैं अच्छी लग रही हूँ माशाल्लाह, दोबारा कहना। हाँ जी क्या कह रहे हैं? आप भी अच्छी लग रही माशाल्लाह। थैंक यू सो मच गाइस। चलो जी ये तैयार हो गई है, तैयार हूँ
क्योंकि आज हमें ट्रीट चाहिए, हम इसीलिए तैयार हैं। हाँ तो वो आपको जिनसे ट्रीट चाहिए वो यहाँ बैठे हुए हैं ऑलरेडी। मैं हाजिर, मैं हाजिर। हमें किसी स्पेशल जगह पे ट्रीट चाहिए, यहाँ पे हर कोई जाता है। मैंने 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 ना सबसे पहले उनको यही बताया और यही कह के मैंने बुलवाया कि टिम हॉर्टन्स है, हम लोगों को वाकई कॉफी ट्राई करनी है ना, ये भी उन लोगों में आ गए। नहीं सोसाइटी प्लीज एक्सेप्ट अस। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, रेट्स कैसे हैं, टेस्ट कैसे है। हाँ जेन्युइन रिव्यू बनाना आता है वो बताएंगे, जिसको कुछ बनाना नहीं आता वो क्या से आई अल्लाह। अच्छा सबसे ज्यादा अरीब ने ऐसे ट्रोल करा था, अरीब तो मैं आपके घर आऊंगी ना, स्ट्रॉबेरी बनाई है ना आपके घर आऊंगी, सबसे अरीब लगा हुआ है। हाँ स्ट्रॉबेरी देख के डर गया, डर गया। रोज किचन में आग लगी हुई है। ये बात याद दिला दूं, मेरा बर्थडे गिफ्ट। ओ ये तो मुझे गई थी, मैंने दे दी है आपकी तरफ से भी रह गया अभी। यार हमने हमने जाना है। नहीं 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 हम लोग तुम्हारा गिफ्ट खाएंगे नहीं, टेंशन ना लो। मैं और अरीब एक दिन जाएंगे तुम्हारा गिफ्ट लेने के लिए। डन 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 कर दे, हम दोनों जाएंगे पसंद करेंगे, अपना मन बता दो पसंद। हम चले जी, मम्मा जो है ना वो हीरा को बता रही है कि हम लोग जो है वो जा रहे हैं क्योंकि हीरा मैडम घर पे नहीं है। तुम अकेली आ गई हो रबे, वो जो सबसे बेस्ट साली होती है सबसे पहले आती है, टाइम के वेट बेस्ट। अरे बाप बताएंगे आपकी बेस्ट साली कौन है? राबिया विदाउट एनी क्वेश्चन, राबिया इज योर बेस्ट साली जी, एंड राबिया इज माय बेस्ट सिस्टर। माशाल्लाह सारा कुंभा जो है वो आ चुका है। चलो जी अब हम सब लोग निकलने लगे। अरे आर यू रेडी? यस आई एम। अरीब ने मैंने भी नहीं पहनी, दोनों ने नहीं पहनी, दोनों को पीछे देख। मैंने पहनी हुई आंटी, ये देखिए। अच्छा अब मम्मा मैंने भी पहनी हुई है ये लो। ओ माय गॉड, सो गाइस फाइनली हम लोग टिम हॉर्टन्स पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे लाइन देखो, लुक लाइन। अरे हम लोग भी इस लाइन का हिस्सा होने वाले हैं, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है। आवाम पागल हुई है और उन पागलों में से चार पांच छह लोग हम भी हैं। क्या नहीं नहीं मैंने आवाम से वादा किया कि मैं यहाँ से, मैं भूख मुझे लगी इतनी लाइन में मैं नहीं खड़ी हुई, भूख तो मुझे भी। अरे आप सोच में पड़े, मुझे नहीं पता इनके अंदर क्या अच्छा। नई चीज आई है, नई चीज आई है पाकिस्तान में, सो आई वांट कि मैं इसको ट्राई करके आप लोगों को बताऊं कि इसके अंदर ऐसा खास क्या है जिसकी वजह से इतना क्राउड है यहाँ पे। रेट शीट इनके क्या है, लोग आ रहे हैं, मैंने देखे हर बंदे के हाथ में कैमरा और वो ऑन है लाइक दिस। अच्छा ये देखो, ये भी ये भी ये भी ये भी यही कर रही है। अच्छा यहाँ पे तो मुझे हल्कियाँ आज कल रश था, लेकिन ये अंदर देखे फुल लॉन्च चली हुई है यहाँ पे, देखो ऐसी वैसी ओए मेमर जो। अब हम निकलते हैं और देखते हैं कि हमारी बारी कब आती है, कितनी देर हमें लाइन में लगना पड़ता है। भूख तो बहुत शदीद लगी हुई है। अरीब साहब आगे आगे और मैं पीछे पीछे। यहाँ इतना शदीद रश है, इतना शदीद रश है, लाइन पे लाइन लगी हुई है। मैं यहाँ पे आगे साइड पे खड़े हो गई हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मा कह रही है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेल लगी हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा ऐसी जगह पे जाते हैं ना, यहाँ पे सेल लगी हुई होती है। बस पता नहीं ये राबिया और ज़ैनब और फातिमा किधर तीनों चली गई हैं, मुझे नहीं पता लग रहा ये कहाँ पे हैं। मैं और मम्मा इनको ढूंढ ढूंढ के आ गया, मैं गाड़ी में बैठने लगी क्योंकि बहुत क्राउड है और अरीब खुद ही ले आएंगे जो भी लेके आना होगा। और मेरी बहनें मुझे दगा देके पता नहीं किधर चली गई हैं, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये भी नहीं कि बड़ा वीआईपी होटल है, नॉर्मल होटल है, लोग आए हुए हैं जैसे पता नहीं क्या है। हम भी पागल हैं, हम तो देखने आए थे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। अभी मेरा फातिमा से कॉन्टेक्ट हुआ, शी सर हम तो अंदर आराम से प्रोटोकॉल के साथ बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात है। हम लोग क्यों गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये देखो ये सच सबर के तीनों ऐसे बैठी हुई है जैसे पता नहीं क्या। तुम लोग ये मेरे साथ आए हो ना, हम लोग सब यहाँ पे टेबल पे बैठे हुए हैं, ठीक है तो वहाँ पे ऑर्डर शॉर्डर लगता है तो फिर बताते हैं। यहाँ पे देखें जी सारी ये दोस्तें इकट्ठी हुई हैं, कोई एक अरसे बाद मिली है और आज मुझे पता चला है कि यार ये सारी बहनें सेजिटेरियस हैं। ओह माय गॉड, कुछ चार घंटों के बाद अरीब भी कानों को हाथ लगा रहे हैं, मुझको कुछ भी नहीं मिला है, घुसने पकड़ लिया घुसने पकड़ लिया। अरीब मेरा कहाँ है? ये शादी का वो लड्डू है, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। इससे अच्छा दूध का एक ग्लास पी लो। अरीब साहब पता नहीं किधर अभी अंदर ही हैं और हम लोग जो है ना वो गाड़ी में अब जा रहे हैं। किधर लोग ने वेट करवाया ना उसके अकॉर्डिंग नहीं है। चलो जी हम मिलने गए हैं मिकी मिनी से, की मिनी से सब लोग सलाम दुआ ले रहे हैं। आपका बहुत बड़ा फैन हूं। ये अच्छा ये सारी चीजें अरीब कितने में आई है? मैं नहीं बता रहा क्यों, अच्छा नहीं लगता क्यों।
मैंने आपको पैसे वापस नहीं करने, मैंने ऑडियंस को बताना। मैं क्यों बताऊं बस की? नहीं मुझे बताओ, ट्रीट होगी। नहीं मैंने लोगों को बताना है कि ये अंडररेटेड है, मतलब इसका प्राइस रेट जो है वो अंडररेटेड तो नहीं है। अंडररेटेड लग रहा, महंगा है भाई, महंगा महंगा, यानी कि ये सारी चीजें मेरे अंदाजे के मुताबिक 7-8 हजार रुपए की होंगी। इतने तक की है 7-8 हजार रुपए, यही रेंज है ना। तो गाइस हमने अपना मीठे का कोटा पूरा कर लिया है, अब बारी है जी कुछ नमकीन खाने की, और हम लोगों को कोई और जगह नहीं मिली, बिल्कुल सामने हमें KFC नजर आया, तो अभी हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कौन सा बर्गर खाना है। वैसे कभी ना हम वो वाला चैलेंज भी करेंगे जिसमें हम पिछले बंदे ने क्या ऑर्डर किया वो सारा ऑर्डर लेंगे। फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है और ये फ्राइज में ऐसे टूट पड़ी है जैसे पता नहीं कौन सी सदी के बाद इनको फ्राइज मिले। यार मुझे भी चाहिए, मुझे भी दे दो। अरे बर्गर फट गया यार, इनके काम चेक करा, पागल हो गए हैं। तो हो गया, हो गया। सब कुछ कैप्चर हो रहा है, ये लोग तो पागल हुई हैं, सारी साथ खा रही हैं, आधा खा रही हैं, आधा गिरा रही हैं। मुझे तो फ्राइज में तो बस बर्गर नाम का, हां इसे तो कर ही रहते हैं। हां जी, ट्रीट कैसी रही आप लोगों की गाइस? कसम से, कसम से। सो फाइनली मैं आ चुकी थी घर। भाई हम लोग इतना को कोई थक गए हैं ना। थैंक यू सो मच अरीब, थैंक यू फॉर द ट्रीट। चले सही है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सो गाइस अरीब भी जा चुके हैं, तो अब मैं भी जाती हूँ अंदर, अंदर जाके देखती हूँ क्या सीन पार्ट चल रहा है। मैं इतना थक गई हूँ, मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो जी, ये जो ये लड़की है, मैं घर आई हूँ। हाँ जी, फिर खा लिया आपने? हो गई आप तैयार? ओए ला, मेरे मुंह पे तो फ्लैश लाइट पर इसके घोड़े पे क्यों सवार? कैसी, कौन गा रहा है? एक लड़की पागल हुई है, मुझे लगता है टिम हॉर्टन्स तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गया। फातिमा, 4 दिनों की शादी है रब्बा, लंबी सफाई, लंबी सफाई, सस के ताने सुनूं मैं हमेशा, शोहर से माला खाऊं मैं हमेशा, इतने जमाने बाद रब्बा मार है खाई। माइक याद आया, माइक याद आया। क्या तुम यार, गाइस हम लोग जोरों का झटका है, जोरों से लगा तुम्हें शादी बन गई उम्र कैद की सजा। तो जी ये इतने प्यारे गाने आपको लाइव कॉन्सर्ट भी हम लोगों ने दिखा दिए, इतना खूबसूरत। तुम पास आए बदबू फैलाए, तुमने न जाने कितने जरा सीम फैलाए। गाइस फातिमा पार्ट टाइम ये काम करती है। चले जब हम चलते हैं ऊपर और होते हैं फ्रेश और सोते हैं, नींद पूरी करते हैं, कल भी बहुत ज्यादा काम है गाइस जी। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोग से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चलो।